हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपकी दोस्त श्वेता और आज लेके आ गई हूं आप लोग के लिए टेस्टी और यम्मी पालक बैगन मिक्स वेज सब्जी। जिस किसी को इस सब्जी पालक और बैगन की ना पसंद हो, एक बार इस तरीके से पालक बैगन की सब्जी बनाकर जरूर टेस्ट करें। और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि आपने एक बार ये सब्जी टेस्ट कर ली तो आप इस सब्जी को बार बार बनाओगे और हर बार चाव से खाओगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपना पालक बैगन का मिक्स वेज सब्जी बनाना। इसके लिए हमने ले लिया है 100 ग्राम ताजे पालक के पत्ते, 2 बैगन, 1 बड़ा सा आलू, 2 लहसुन का बड़ा पोट, 1 प्याज, 2 बड़े टमाटर और 10 से 15 हरे मटर और 4 से 5 हरी मिर्च। इन सब को हम अच्छे से धोकर कटिंग कर लेते हैं। तो ये लीजिए, सारी सब्जियों को हमने अच्छे से कटिंग कर लिया है। अब चलते हैं हम गैस की तरफ और गैस को करते हैं ऑन और उस पे रखते हैं एक कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे हम 4 से 5 चम्मच सरसों तेल। तेल हो चुका है हमारा गर्म, तो चलिए इसमें हम डाल लेते हैं 1/2 चम्मच जीरा। फिर जीरा जैसे ही चटकने लगे हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच हींग। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपके लिए छोटा सा छोटा वीडियो लेके आऊं ताकि आप मेरे वीडियो को स्किप ना करें। और फिर हम कढ़ाई में डाल देंगे अपने कटे हुए हरे मिर्च। फिर 1 मिनट बाद हम डाल देंगे अपने लहसुन की कलियां जिसको हमने छील के रखा था। और लहसुन को 1 मिनट भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे कटे हुए प्याज के टुकड़े। और इन सबको हम गैस मीडियम फ्लेम पे करके 2 से 3 मिनट भून लेंगे ताकि हमारा प्याज भी सॉफ्ट हो जाए। तो लीजिए हमारा प्याज भी अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम डाल देंगे अपने कटे हुए आलू और बैंगन के टुकड़े। फिर हम इन सब्जियों को गैस मीडियम फ्लेम करके 4 से 5 मिनट भून लेंगे ताकि हमारे सब्जियों का मॉइस्चर थोड़ा सा कम हो जाए। तो ये लीजिए, हमने आलू और बैंगन को भी अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे अपने हरे मटर और अपने कटे हुए पालक की पत्तियां। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए अब हम सब्जियों में 1 चम्मच नमक भी डाल लेते हैं और सब्जियों को अच्छे से भून लेते हैं। ये सब्जी जितना सिंपल और जितना आसान तरीके से बन जाता है उतना ही टेस्टी और यम्मी खाने में भी लगता है। और ये सब्जी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही सेहतमंद है। तो चलिए हमारा पालक भी अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। फिर 1 चम्मच गरम मसाला जो कि हमने घर पे ही पीस के बनाया है। और फिर हम डाल देंगे इसमें कटे हुए अपने टमाटर के टुकड़े। फिर हम इन सब्जियों को बिना मिक्स किए ढक देंगे 5 मिनट के लिए गैस मीडियम फ्लेम करके। ऐसे ढक कर पकाने से हमारी सब्जियां भी पक गई और हमारा मसाला भी पक गया बिना पानी डाले। तो अब हम सब्जियों को मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट और भून लेंगे। क्या आपने एक चीज नोटिस किया, मैंने अभी तक सब्जी में एक बूंद भी पानी नहीं डाला है। और ये लीजिए, हमारे मसाले मिक्स हो चुके हैं सब्जियों में और 5 मिनट गैस मीडियम फ्लेम करके हम पका लेंगे अपनी सब्जियों को। और ये लीजिए, हमारी सब्जी अब बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत अच्छी हमारी सब्जी से खुशबू भी आ रही है। अब हम इसमें डाल लेंगे 1 चम्मच कस्तूरी मेथी। तो ये लीजिए, फाइनली हमारा पालक बैगन का सब्जी रेडी हो चुका है। और कस्तूरी मेथी ने तो इस पालक बैगन की सब्जी की रेसिपी को दुगना टेस्टी कर दिया। तो चलिए हम अपनी सब्जी को गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं और टेस्ट कर लेते हैं। तो देखा आपने कितना झटपट, कितना आसान तरीके से हमने पालक बैगन का सब्जी टेस्टी और यम्मी तैयार कर लिया। तो चलिए आप भी फटाफट बना लीजिए। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और हम चलते हैं आपके लिए न्यू रेसिपी और न्यू वीडियो की तैयारी में। तो चलिए मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।